अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए लाए हूँ एक नई वीडियो। आज आपको बताएंगे कि हम 150 वाट के सोलर पैनल पर क्या क्या चला सकते हैं। तो ये चार 150 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं, मोनो में है ये, और इनके साथ हमने लगाया है फ्रोनस का 1.4 kVA का MPPT चार्ज कंट्रोल के साथ आने वाला सोलर इन्वर्टर। अभी आपको इसके कनेक्शन चेक करवा देते हैं। यहाँ पर हमने आपस में इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ा है और साथ वाली दोनों प्लेट्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ा है। जब इन दोनों के सीरीज़ को जोड़ने के बाद जो चार तारें बची हैं उनको हमने पैरेलल में जोड़ के नीचे ले गए हैं। पैरेलल में जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें नीचे वोल्टेज मिलेंगे 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट की एक प्लेट है, तो आपस में इन दोनों को ऊपर सीरीज में हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और नीचे हमें 24 वोल्ट मिल रहे हैं। हमारा नीचे चार्ज कंट्रोलर जो है वो 50 एम्पीयर तक करंट को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये देख सकते हैं कि ये दो पैनल्स जो हैं, ये वाले ये हमने पहले लिए थे, पुराने हैं, और ये दो पैनल जो से हैं वो नए हैं। इनके फ्रेम इसलिए अलग अलग बने हैं क्योंकि ये एक पहले ले लिए गए, एक बाद में लिए गए, इस वजह से। तो आपको नीचे चल के इसका इन्वर्टर भी चेक करवाते हैं कि इसका इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है। आपको उसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन भी चेक करवाते हैं। ये जी फ्लावर कंपनी का एक एसी लगा हुआ है 1 टन का। ये आप इस पे नहीं चला सकते, 1.4 kVA इसकी रेटिंग है। हम उस पे मैक्सिमम 1000 वाट तक लोड चला सकते हैं, लेकिन वो भी हम 1000 वाट का लगातार चलाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो एसी हम इस पे नहीं चला सकते। तो इसके बाद आपको हम इसकी रेटिंग चेक करवा देते हैं कि इस पे हम लोग कितनी वोल्टेज की प्लेटें लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, रेटेड पावर है इसकी जी 1400 VA, और वोल्टेज इनपुट 230 है, और 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब आप सिंगल बैटरी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन 50 एम्पेयर का इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर आता है LCD के साथ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये देख सकते हैं इस वक्त इस पे 577 वाट का लोड चल रहा है, और ये निशान बना हुआ है कि ये सोलर से ही बैटरी चार्ज है, बैटरी अभी फुल है। तो इसके अलावा सिर्फ लोड चल रहा है। 1.4 kVA इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये नीचे से ये जो छत से आ रही हैं तारें, ब्लैक कलर की सोलर की तार है, और ये जो येलो कलर की तार है ये हमने आउटपुट ली हुई है। उसके बाद ये दो वायर्स हैं ये बैटरी को जा रही हैं। बैटरी हमने दो लगाई हैं लेकिन आपस में उनको पैरेलल में जोड़ा है, जिससे हमें सिर्फ 12 वोल्ट ही मिल रहे हैं। 1.4 kVA का ये इन्वर्टर MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है, बेहतरीन काम करता है। ये देख सकते हैं जी अभी लोड इस पे कम हो गया, 400 वाट तक हो गया। तो इसके बाद आपको इसका ये मॉडल भी चेक करवाते हैं, XEON ये मॉडल है इसका। बैटरी इसके साथ जी AGS की बैटरी लगाई गई है, 180 एम्पेयर वाली, 180 एम्पेयर की एक बैटरी, और इसके पीछे एक और 130 एम्पेयर की भी रखी गई है। दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ के तो हमने इन्वर्टर को इसके साथ अटैच किया हुआ है। इस पे हमारा ज़बरदस्त लोड चल रहा है, हम इस पे 700-800 वाट लोड चला सकते हैं आसानी के साथ। तो उम्मीद करते हैं जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।